बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर 24 परगना जिले में हुए बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने राज्य में खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डीजीपी को समन भेजा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर राज्य में बैरकपुर में 12 घंटे का बंद बुलाया है। जानकारी के मुताबिक मनीष शुक्ला की हत्या जिले के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष शुक्ला रविवार की रात करीब 8 बजे टीटागढ़ थाने के सामने बने पार्टी कार्यालय में बैठे थे। इसी दौरान यहां पहुंचे बाइक सवार हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में गंभीर रूप से घायल मनीष को पहले बैरकपुर के बीएन बोस हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हालत गंभीर देखकर उन्हें अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।